हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो वीडियो एडिटिंग में बहुत ही कमाल करने वाला है और बहुत ही कमाल के फीचर के साथ में। दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी है कि नी मास्टर से भी ज़्यादा अच्छे फीचर के साथ में उपलब्ध है जो है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप वीडियो बनाते हैं और अगर आप चाहते हैं आगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाए, चाहे यूट्यूब के लिए, चाहे इंस्टाग्राम के लिए, कैसे भी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्या करिए, इसे पूरा देखिए। मैं आपको इसको शुरुआत से बताता हूँ एकदम से। देखिए, शुरुआत से हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। जिस भी प्रोजेक्ट का हमें वीडियो बनाना है, हमें उस पिक्चर को ले लेना। जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर टिक कर लिया, ये पिक्चर ले लिया हमने एक, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कोई एक पिक्चर और। जिस भी का मुझे वीडियो बनाना है वो पिक्चर में यहाँ पर ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो आपको जिस भी चीज का वीडियो बनाना, ठीक है ना, वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पिक्चर अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही किस प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाना चाह रहे हैं आप जो है, तो यहाँ पर आपको सारे दे रखा है। यहाँ पे ये मोबाइल के लिए है और ये आपके जो है यूट्यूब वाले के लिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे मोबाइल टिक करेंगे और यहाँ पे सेंटर में रखना है, फिल में रखना तो फिल रखिएगा। ये प्रोजेक्ट हो गया रेडी, ठीक। दूसरा चीज ये है, ये फ्री में बिना किसी लोगो के साथ में आता है। आप देख रहे हो स्क्रीन में कोई लोगो नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लोगो हटाने का सरदर्दी नहीं कि लोगो हटाना। हालांकि इसमें कुछ पेड फीचर्स हैं, अगर आप उन्हें लेंगे तो आपको इसमें पेड फीचर्स के यूज करना पड़ेगा। तो चलिए, बट इसमें भी बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप यूआई देख लो इसका, जो अच्छा है काफी सा। यहाँ से आप प्ले करोगे, वीडियो प्ले हो जाएगा अपने आप से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब इस वाले के लिए इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लो इफेक्ट दे रखा है, कैसे लेआउट रखना चाहते हो लेआउट के हिसाब से, ठीक है ना। सिनेमेटिक दे रखा है, इस तरह का सिनेमेटिक, हाफ लेफ्ट, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए आपको जैसा चाहिए वैसा फीचर दे रखा है इसमें जो है, ठीक है। तो लेआउट आप देख सकते हो, रिसाइजिंग है, बैकग्राउंड है। इसके अलावा यहाँ पर आप जाओगे तो एनिमेशन दे रखा है। ये वाला इफेक्ट आपको कैसा लग रहा है? अब ये देखो, ये वाला पेड है जिस पे लॉक लगा हुआ, तो हमें लॉक वाले पे नहीं जाना, हमें लॉक यूज करने नहीं है, हमें तो बस फ्री वाले फीचर को यूज करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये इन ले लिया। आउट के लिए हिसाब से कौन सा फीचर हमारे लिए सही रहेगा, ये वाला इफेक्ट अगर यूज करना है। अब आउट वाले में हमारे पास ज़्यादातर फीचर सभी फ्री में दे रहा है यहाँ पर, तो आप आउट वाला यूज कर लीजिए। मतलब जो हमारे पास जिस तरह का है हम उसी हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हमारे पास ये वाला बहुत ज्यादा यूज होबल है, लोग इसको बहुत यूज करते हैं। आउट वाला अगर यूज करना चाहो तो आउट के लिए भी यूज कर सकते हो। ये फेड इफेक्ट के साथ में है, नन हो जाएगा। इसमें सारे फ्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर ओवरऑल लेंगे तो ओवरऑल वाले में हमें बहुत अच्छा फीचर है, तो हमने इसी को डन कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अगले पे आ जाइए इस वाले के लिए। इस वाले में भी एनिमेशन हमें यूज करना है। ओवरऑल में गए हमने, ये वाला लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, इसको भी डन कर लिया। इसके अलावा इसमें भी और है, इफेक्ट भी दे रखा है इसमें, एनिमेशन ही नहीं इफेक्ट भी दे रखा है। तो आप इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देख लीजिए यहाँ पे इफेक्ट दे रखा है, कैसा इफेक्ट लेना है आपको जो है। तो इफेक्ट नहीं लगाना है, नन कर दीजिए यहाँ से, ये इफेक्ट दे रखा है। तो अगर आपको इफेक्ट लगाना है तो आप लगाइए, और नहीं लगाना है तो मत लगाइए, कोई जरूरी भी यहाँ पर नहीं है। तो मैंने इसको नन कर लिया, मुझे इसमें इफेक्ट नहीं लगाना, ठीक है। इफेक्ट के बाद में यहाँ पे एडजस्ट है, फिल्टर भी दे रखा है, आप इसमें से कुछ फिल्टर भी प्रयोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मुझे बस यही ठीक लग रहा है, मैं इसको डन करूंगा। डन करने के अलावा ड्यूरेशन दिया हुआ है, टाइमिंग, स्पीड वगैरह तो इसमें नॉर्मल रखेंगे। क्रोमा की भी दे रखा है इसमें, है डुप्लीकेट, बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन हमको सब नहीं चाहिए, तो हम बस इतना ही लेकर के इसे कर देंगे डन। तो अगले आ जाएंगे हम इफेक्ट पे। यहाँ पर हमने एक एनिमेशन लिया, ओवरऑल में गए, ये वाला इफेक्ट लगा दिया, डन कर दिया यहाँ पे। चलो ये कि कैसे कैसे स्पीड में लाना है ये, ठीक है ना।
अगले के लिए हमने यहाँ पे एनिमेशन में गए, ओवरऑल पर गए, ये लगा दिया हमने, ये जिस तरह का सेट हो रहा है उस तरह से आपको ध्यान देना है। अब यहाँ तक तो सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना। अब इसको हम कर लेते हैं डन। देख लीजिए प्ले करने पर कैसे इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आप लोग देखिए कि पीछे ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। क्या हो रहा है, सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैकग्राउंड भी हम चेक कर लेंगे। ये हमने टिक कर दिया बैकग्राउंड में, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस वाले के लिए भी बैकग्राउंड हमने पिक कर दिया, इस वाले के लिए भी हमने बैकग्राउंड पिक कर दिया, इस वाले के लिए भी बैकग्राउंड पिक कर दिया। अब हम प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा जो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड ग्रेडियंट भी दे सकते हो, यहाँ से अच्छे ग्रेडियंट भी कलर में है बैकग्राउंड। तो ये भी डन कर दिया हमने और ये भी डन कर दिया। तो यहाँ से हम आ गए वापस शुरुआत में, पिक्चर आ रही है इस तरीके से, बैकग्राउंड आ रहा है, तो काफी इफेक्टिव लग रहा है। आप चाहें तो इसका टाइमर स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो और अच्छा लगेगा जो है देखने में आपको। अब आप इसी के साथ में कोई साउंड या कोई भी जो है ऑडियो आप लगा लीजिए, ठीक है ना। उसी के ऊपर आप टेक्स्ट लगा लीजिए। जैसे टेक्स्ट कैसे लगाएंगे आप, इसमें देखिए यहाँ पे टेक्स्ट, देखो इसमें टेक्स्ट भी बहुत सारे दे रखा है, कुछ फ्री वाले हैं कुछ पेड वाले हैं इसमें। तो मैं यहाँ पर जो बढ़िया होगा और फ्री का होगा, देखो मेरे पास ये वाला सबसे अच्छा है, मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको, यहाँ पे ले लिया, डन कर दिया इसको। टेक्स्ट लेने के बाद में थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको भी डन करते हैं और फटाफट एनिमेशन लगाते हैं इसमें। ये वाला ए जो इफेक्टिव एनिमेशन है ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल वाले हम देखते हैं तो ओके, ये कौन सा इफेक्ट, ये बढ़िया लग रहा है, ये देखता हूँ, ये भी अच्छा है और स्पिन है, बाउंस भी है इसमें और इफेक्टिव भी है, ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो हमने इसको ऐड कर लिया और कुछ इसमें नहीं, बस इतना रखना, ठीक है ना। तो अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया है, टेक्स्ट को मुझे कहाँ तक रखना है, ठीक है ना, वो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने डन कर लिया, ठीक है। अब हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, तो ये टेक्स्ट हमें यहाँ पर जो भी देना है वो हम दे देंगे यहाँ पे। ओके, वीडियो मेकर, मेकर कुछ इस तरीके से हमने डन कर दिया। अब देखते हैं ये थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, बड़ा हो जा रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से डन कर देना है और थोड़ा सा छोटा करना है इसको है हमें। अब देखता हूँ कैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो वापस आ गया टेक्स्ट हमारा पूरा, यानी कि हमने सेव नहीं किया ठीक से, तो ये टेक्स्ट हमारा गड़बड़ हो गया भाई। मुझे यहाँ पर वीडियो मेकर ये हमने कर दिया यहाँ से डन, फिर से कर दिया डन। अब वापस एक बार फिर से प्ले करके देखता हूँ वीडियो मेकर, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है ना। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कुछ और फीचरों को, क्योंकि तो सारे फीचर तो इस वीडियो में संभव नहीं है, बट मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो ग्राफिक्स में आ गया, स्टिकर्स वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत से चलेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब स्टिकर अपने हिसाब से कुछ इफेक्टिव, कुछ फूडी टाइप के हैं, सीजनल टाइप के यहाँ पर हैं,
तो हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, तो सॉरी, तो अब इस तरीके से काफी बढ़िया वीडियो ये तैयार कर सकते हो आप इससे। अब सबसे जो खास इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वीडियो को सेव करना। आप वीडियो कैसे सेव करेंगे आप इसमें, क्योंकि अगर वीडियो सेव नहीं किया तो सारा मामला हमारा खराब हो जाएगा। तो भैया सबसे जो मेन काम है ना कि वीडियो सेव करो, उस पे लोगो नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, हाई क्वालिटी में आप इसमें वीडियो सेव कर सकते हैं। GIF भी दे रखा है यहाँ पे, है QHD है और 4K है। ये पेड वाले में है, तो आपको पेड वाले में नहीं जाना है, हाई क्वालिटी इसी में दे रखा है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, मुश्किल से बस 1 मिनट नहीं लगता जो है वीडियो को सेव कराने में जो है। ठीक है, देख रहे हैं कितना फास्टली है जो है, और बहुत ही फास्टली वीडियो को सेव करता है। तो अब बात आती है कि कौन सा एप्लीकेशन है। तो इसका नाम है BLLO, BLLO। प्ले स्टोर पे जाना है, इसे करना है डाउनलोड। तो अगर आप लोग डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आप आते हैं, वीडियो को सीधा सीधा दिखाते हैं कि भैया वीडियो जो बनी है वो कैसी बनी। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, ये हमने किया है ओपन। आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी पूरे वीडियो में कुछ भी लगा नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया परफेक्ट आया, बिना लोगो के आया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।